मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन की फूड हम कैसे बचा के रख सकते हैं, लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था पहला तो केमिकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं जिससे कि हमारा फूड प्रिजर्व होता है। एक प्रिजर्वेशन हमने देखा था शुगर को मिला के, जिसमें कि जैम होते हैं, जेलीज होती हैं और स्क्वैशेस यानी मुरब्बा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको मिलाकर भी हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर हमने ऑयल और विनेगर का देखा था एग्जांपल, जो कि हम अचार में यूज़ करते हैं। और कुछ मेथड्स होती हैं फ्रीज करने की, यानी कि हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, उससे क्या होता है हमारा खाना ख़राब नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि मॉइस्चर यानी कि नमी, अगर खाने में नमी होती है तो खाना जो है बहुत जल्दी से ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है, एज ए रिजल्ट वो हमारा खाना स्पॉइल कर देता है, जो कि हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जिस अगर हम ऐसे खाने को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज हमें पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। पर लेकिन हम नाइट्रोजन जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ओके, और नाइट्रोजन जो है उसकी नीड क्यों रहती है, क्योंकि ये हमें प्रोटीन और एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियर एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, प्रोटीन्स आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हम हमारी मसल्स ग्रो हो पाती हैं। सो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। बट लेकिन सिंस जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको इनडायरेक्टली कैसे कंज्यूम करते हैं, हम प्लांट्स को और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स को कंज्यूम करके। ओके, द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एयर, सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन क्या बोलती है, सर्कुलेशन हो रहा है जो हमारे, जिससे कि प्लांट्स से एनिमल्स खा रहे हैं, फिर वही चीज़ हम प्लांट्स के, जैसे लाइक हम प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पिनक हो गया, पालक हो गया, और भी अदर फ्रूट्स हो गए, ये सब खाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन प्लांट्स में इन नाइट्रोजन प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हम नाइट्रोजन अवेलेबल होता है जिसको खा के हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, तो ये सर्कुलेट हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद में जो ये प्लांट्स होते हैं इनको ये कैसे मिल रहा है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसके मीडियम कौन से हैं, एक तो एयर, सॉइल और तीसरा पानी, और ये जो प्रोसेस फिर चलती रहती है, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो उसको जो वेरियस सोर्सेज से कन्वर्ट करके उनको डिफरेंट नाइट्रेट फॉर्म्स में, क्योंकि हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी सॉइल भी एक्ट करती है और उसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन को हम डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और फिर उसके बाद ये प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो प्लांट्स ग्रो होते हैं, फिर उनको एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, फिर उसी सेम प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं, और इस थ्रू हमारे अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड आता है, और जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, एमिनो एसिड और न्यूक्लियस एसिड बनता है। ओके, तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन जब साइकिल जो है उसमें जो स्टेप्स जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब वापस जो ये जो कंपाउंड्स बन गए वापस ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट जो होते हैं, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में जो कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, इसमें सबसे पहले प्रोसेस हम जानते हैं अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। एज यू नो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का कंपोजिशन है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, 21% ऑक्सीजन है एंड रेस्ट 1% जो है अदर गैसेस, जो डिफरेंट अदर गैसेस है, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, सब मिला के 1%
जो है 1% की प्रेजेंस है इनकी हमारे एटमॉस्फेयर में. ओके, नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली. ओके, प्लांट्स जो एनिमल्स है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते. सो क्या किया जाता है, दैट इट्स हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड. इस वजह से पहले ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाना चाहिए इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके. सो दिस कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको जो कन्वर्ट करते हैं हम डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड, दिस फिनोमिना इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय द फॉलोइंग टू वेज. नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकती है, एक लाइटनिंग की वजह से और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने के दौरान, तो उस प्रोसेस को सबसे पहले जानते हैं लाइटनिंग. वेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब बिजली गरजती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वो रिएक्ट होता है ड्यू टू द लाइटनिंग, बिजली गड़कने से, और उस दौरान ही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस डिजॉल्व इन रेन वाटर. फिर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ये क्या है जो रेन जो पानी होता है बारिश का उसमें ये मिल जाते हैं एंड फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड. और क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक एसिड. दिस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में देयर आर वेरियस मिनरल्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें एक लाइमस्टोन प्रेजेंट रहता है, यह नाइट्रिक एसिड उससे मिलता है और फिर कन्वर्ट करता है इंटू नाइट्रोजन नाइट्रेट्स. ओके, और फिर इसको हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है. देन कम्स द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, बायोलॉजिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज देर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्प करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड. तो ये जो पूरी प्रोसेस है सिंस ये बायोलॉजिकली हो रही है तो इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस कर रहा है. ओके, नाउ सर्टन प्लांट्स सच एज पीज बीज पल्सेस. ओके, पीज यानी मटर, बीन्स आप सभी जानते हैं. ओके, पल्सेस जो वेरियस दाल्स होती हैं, तो ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट है जिनके रूट्स में है ना, रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है. और ये बैक्टीरिया का काम यही है कि ये एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और है, साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टाक, एनाबेना, ये भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट. देन द सेकंड वन जो अब दूसरी प्रोसेस है, ये तो अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रोसेस खत्म हो गई है. अब जो दूसरी प्रोसेस जो एक और तरीका जिससे कि हमारा नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है डिफरेंट प्रोसेस की हेल्प से डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है, तो आइए उसको जानते हैं. प्लांट्स अब्सॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल विद वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन. अब प्लांट जो होते हैं नाइट्रेट्स जो ये रहते हैं इसको सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ वाटर है ना, वाटर, और फिर वो वाटर जो है रूट्स कंज्यूम करते, फिर इन रूट्स से प्लांट प्रोटीन बनता है. ओके, रूट्स का काम होता है कि इन जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है पानी के माध्यम से उनको हम प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाए. फिर उसके बाद क्या होता है, द हर्बीवोरस एनिमल ईट ग्रीन प्लांट्स. तो हर्बीवोरस एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, सिर्फ केवल प्लांट्स ही खाते हैं, वो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. और जो प्लांट प्रोटीन बनता है वो अब कायम में कन्वर्ट हो जाता है, सिंस उन्होंने प्लांट प्रोटीन खा लिया है, अब उनकी बॉडी में चला गया, तो वो प्लांट प्रोटीन अब कायम में कन्वर्ट हो जाता है एनिमल प्रोटीन में. द हर्बीवोरस एनिमल्स आर देन ईटन बाय द कार्निवोरस एनिमल्स. और फिर ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनको कार्निवोरस एनिमल्स खा जाते हैं. ओके, जो ऐसे एनिमल्स जो कि
किसी दूसरे एनिमल को खा के जीवित रहते हैं उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं किसी दूसरे एनिमल के मीट पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब ये ऐसा तरीका है जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ? नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया, फिर उसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे वो प्लांट ग्रो हो गया, तो उसमें प्लांट प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया। फिर वही ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड किसी अदर लिविंग बींग ने खा लिया, मीन्स लाइक किसी अदर कार्निवोरस एनिमल ने हर्बीवोरस एनिमल को खा लिया, तो उस एनिमल का प्लांट एनिमल प्रोटीन अब दूसरे एनिमल के अंदर आ गया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सो बच्चों, ऐसी प्रोसेस जिसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी जो नाइट्रेट्स जो सॉइल में प्रेजेंट थे वो प्लांट्स ने थ्रू वाटर कंज्यूम करे अपने रूट्स में, फिर वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोटीन बनाया, फिर वो प्लांट्स ग्रो हुए, फिर उन्हीं प्लांट्स को किसी हर्बीवोरस एनिमल्स ने खाया, तो उसके बॉडी में अब वो प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, और फिर वही एनिमल प्रोटीन किसी दूसरे अदर एनिमल्स ने किसी हर्बीवोरस एनिमल को खा लिया। तो इस पूरी प्रोसेस जिसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे पार्ट ऑफ लिविंग में कन्वर्ट होता गया, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। देन कम्स एमोनिफिकेशन। जब कोई भी प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं, द प्रोटीन प्रेजेंट इन देम आर कन्वर्टेड इनटू एमोनियम कंपाउंड्स बाय प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोजर्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और एक फंगी है जो कि डिकम्पोजर्स हैं, जो कि यू नो इन डैट प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में ये जो बैक्टीरिया और फंगी जो है इन एनिमल्स और प्लांट्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनको एमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। ओके, वी कैन डिफाइन एमोनिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन इनटू एमोनिया। जब प्रोटीन जो है प्लांट प्रोटीन है या एनिमल प्रोटीन है जब एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। देन कम्स द नाइट्रिफिकेशन। ओके, एमोनियम सॉल्ट्स इन द सॉइल इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्रस बाय नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। जो अमोनियम सॉइल सॉल्ट जो अमोनियम सॉइल जो है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो जो कन्वर्ट होता है इंटू नाइट्रेट्स जो कि कौन करता है? नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। दिस नाइट्रेट्स आर देन कन्वर्ट इंटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैकर बैक्टीरिया। फिर नाइट्रेट्स को कौन कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट्स को कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। और क्या बनाता है? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स से या नाइट्रेट्स दोनों में डिफरेंस है। दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को इन बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। बिकॉज अमोनियम सॉल्ट को सबसे पहले नाइट्राइट्स में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। फिर इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। दिस नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड इन द सॉइल कैन वंस अगेन बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब जो ये नाइट्रेट्स बने हैं अगर ये सॉइल में फॉर्म होते हैं तो ये वंस अगेन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन नाइट्रेट्स को। और इस पूरी प्रोसेस में जहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हुआ है सो द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और जो कन्वर्जन जो हुआ है अमोनिया का इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। देन कम्स द डीनाइट्रिफिकेशन। Some of the nitrates are absorbed by plants. Rest of the nitrates in the soil are converted by Pseudomonas bacteria into nitrogen gas which escapes into the atmosphere. अब कुछ ऐसे nitrates ऐसे होते हैं जो इनको plants absorb कर लेता है, बाकी के जो nitrates होते हैं वो soil में soil के अंदर convert हो जाते हैं by Pseudomonas bacteria into nitrogen gases. यानी कि जो बाकी जो nitrates होते हैं वो soil में जो Pseudomonas बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उस नाइट्रेट्स को ये लोग काय में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, जो कि नाइट्रोजन वापस से एटमोसफेयर में मिल जाती है। और जिस प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन जो है एक फ्री नाइट्रोजन या फिर एटमोसफेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है बाय द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया विच इज नोन एज Pseudomonas बैक्टीरिया, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये साइकिल ऐसे ही चल जाती है।
ओके, ये नाइट्रोजन साइकिल ऐसे ही चलती जाती है और इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहता है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।